हेलो एवरीवन गाइस, आज मैं आपको इक्विटी के बारे में बताऊंगा। इक्विटी मार्जिन, क्रेडिट, फ्री मार्जिन, मार्जिन लेवल, बैलेंस, ये क्या होता है। काफ़ी भाई इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है, तो उम्मीद है गाइस अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखोगे तो आपको ये कन्फ्यूजन आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूँगा गाइस बैलेंस। बैलेंस क्या होता है, देखो इसके अंदर अभी फिलहाल जो बैलेंस में है ये है प्रॉफिट, उसके बाद में क्रेडिट है, दूसरा ऑप्शन है इसके अंदर, तीसरा ऑप्शन है इसके अंदर क्रेडिट का। अब देखो मेरा जो ये अकाउंट है ये है $500 का, राइट। $500 पे मुझे जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है $51 का, लगभग $51 का। तो मेरा टोटल फंड हो गया है 500 प्लस $51, टोटल हो गया मेरा $551, राइट। यानी कि टोटल फंड फिलहाल जो मेरा हुआ है वो $551 का हो चुका है। उसके बाद में इक्विटी क्या होती है, अब इक्विटी जो चलती है गाइस वो रनिंग ट्रेड के ऊपर डिपेंड होती है। अब आपकी ट्रेड जो है वो चाहे वो माइनस में हो चाहे वो प्लस में हो। अब देखो इसके अंदर क्या है, मेरा जो टोटल फंड है वो $551 का है, प्रॉफिट प्लस जो मैंने इसके अंदर फंड को ऐड किया $500, राइट। उसके बाद में मेरी जो अभी ट्रेड जो चल रही है वो $78.26 की मेरी माइनस में ट्रेड चल रही है, तो इसको क्या करूँगा मैं इसमें से कर दूंगा माइनस। यानी कि 551 में से मैं $78 को कर देता हूँ माइनस $78 को, तो मेरा जो टोटल फंड निकल कर आएगा वो $472 का निकल कर आएगा, राइट। $472 का मेरा फंड निकल कर आएगा, इसको बोलेंगे हम इक्विटी। ये देखो ये मेरी $472 की मेरी हो गई इक्विटी। यानी कि जो मेरा टोटल फंड माइनस जो ट्रेड हमारी चल रही है उसमें से माइनस करेंगे, जो भी बच के निकल कर आएगा वो हमारी इक्विटी होगी। यानी कि फिलहाल मेरी जो इक्विटी है वो $472 की है, राइट। उसके बाद में क्रेडिट का मैंने आपको बता दिया है, उसके बाद में मार्जिन पे चलते हैं। मार्जिन क्या होता है कि जैसे हम कोई ट्रेड लगाते हैं, जैसे मैंने ये वाली ट्रेड ले रखी है, एक की वाली ट्रेड ले रखी है, की वाली ट्रेड ले रखी है, अब ये मैंने कितने डॉलर की ट्रेड ले रखी है, ये जो ट्रेड है मेरा मार्जिन जो आ रहा है गाइस वो $90 का, आप यहाँ पर देख सकते हो $90 का मेरा मार्जिन यहाँ पर आ रहा हुआ है। यानी कि मैंने $90 की ट्रेड ले रखी है। अब टोटल फंड मेरा कितना है, $472 मेरा टोटल फंड है और मैंने जो ट्रेड ली है वो $90 की ली है, तो मेरा फंड कितना बचा, $472 माइनस $90, तो मेरी जो फ्री मार्जिन जो निकल कर आएगा वो $382 का निकल कर आएगा, जो मेरा यहाँ पर फ्री मार्जिन आपको दिखाई दे रहा है $382, ठीक है ना। ये होता हमारा फ्री मार्जिन, यानी कि जो हमारा जो टोटल फंड है और उसमें उसकी टोटल फंड में से जो भी हमारी ट्रेड प्लस में चल रही है या माइनस में चल रही है और जो बच के जो निकलता है उसको बोलते हैं हम इक्विटी। और इक्विटी में से जो हम ट्रेड लेते हैं $100 की, $50 की, $20 की, उस वो लेके उसके बाद में जो फंड बचता है उसको बोलते हैं हम फ्री मार्जिन, ठीक है ना। तो उम्मीद है गाइस ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, बैलेंस इक्विटी। इक्विटी आपको पता ही है कि टोटल फंड जो भी है आपका, जो आपने इसके अंदर ऐड किया $500 प्लस $51 माइनस जो हमारी ट्रेड रनिंग में चल रही है, क्योंकि अभी माइनस में है तो माइनस ही लिखेंगे, तो $78, तो टोटल मेरा बन गया $472, ठीक है ना। $472 की मेरी यहाँ पर इक्विटी बन गई, तो ये मेरा फ्री मार्जिन आपको पता चल गया। मार्जिन लेवल की मैं बात करूँ तो मार्जिन लेवल गाइज आपको, मार्जिन लेवल वो चीज़ होती है कि जैसे आपका अकाउंट का पता चलता है कि आपका अकाउंट कितना सेफ है और कितना हेल्थी है या नहीं है, ठीक है ना। तो या आप कौन से जोन में चल रहे, तो इससे पता चलता है मैं मार्जिन लेवल से। तो मार्जिन लेवल हमारा 100% से ऊपर ही होना चाहिए, यानी कि मार्जिन जो लेवल है वो हमारा 100% से ऊपर होना चाहिए, समझ जाना कि जब भी हमारा अकाउंट जो वो हेल्थी होगा। तो अगर 100% से नीचे जा रहा है तो समझ जाना कि आपका अकाउंट वो खतरे में चल रहा है। तो इसलिए देखो अभी जो मेरा मार्जिन लेवल है वो 525 का है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया मार्जिन लेवल, फ्री मार्जिन क्या होता है, मार्जिन क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, इक्विटी क्या होता है और बैलेंस क्या होता है। नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो होगी तुम्हारी लेवरेज के ऊपर और हमें कितने फंड के ऊपर कितनी ट्रेड लेनी है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो गाइज इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाने वाला हूं आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि आपको पता है कि गाइज फोरेक्स जो पार्ट है वो एजुकेशन का पार्ट है, कि जितनी ज़्यादा आप एजुकेशन लोगे इसके अंदर उतनी कम है। तो ये चीज़ें अगर हम फोरेक्स के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि बैलेंस क्या होता है, इक्विटी क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, मार्जिन क्या होता है, फ्री मार्जिन क्या होता है, मार्जिन लेवल क्या होता है, ठीक है ना। उसके बाद में ये हमारी लोट होती है, स्टैंडर्ड लोट, मिनी लोट, माइक्रो लोट, ये इस तरीके की जो होगी वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।